पेपर्स मेरे हाथ लग गए हैं। फिलहाल वो मेरी वाइफ के पर्स में है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो पेपर्स उसने देख लिए, पढ़ लिए तो जानते हो क्या हो सकता है। रिलैक्स, सारा को पता भी नहीं चलेगा। पर जब तक मैं वापस जाऊंगा ना अपने बेटे की मैं से वो पेपर्स निकलवा लूंगा। अच्छा उस मैनेजर का क्या हुआ? वो गए रिसोर्ट के ऑफिस में ही होगा, जाके मिलते हैं उससे। हाँ हाँ वो रिसोर्ट में ही होगा। आज प्रिया उससे मिलने जाने वाली थी। फिर क्या हुआ? फिलहाल तो प्रिया रुक गई है। आज मेरे बेटे ने ना प्रूव कर दिया कि उसकी परवरिश मैंने कोई गलत नहीं की। आज ईशान ने बहुत छुपते छुपाते मेरी हेल्प की है। अभी फिलहाल प्रिया तो बीमार है। अच्छा ट्रेन किया है तुमने अपने बेटे को, हाँ काम आ रहा है। चलो चल के इस मैनेजर को देखते हैं। अगर प्यार से मान गया तो ठीक है, नहीं तो। प्रिया बच्चे तो ठीक तो है ना? बाप मैं बेटर हूँ। बेटर नहीं नहीं प्रिया, हम ऐसे नहीं मानेंगे। आप प्लीज डॉक्टर को देख लेने दीजिए, फिर बात करते हैं। अरे हाँ चेक कर लेने। डॉक्टर की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक। नहीं नहीं अच्छा आंदो आंदो आंदो। ये राम इतना खुश क्यों है? और शिवी आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारा पूरा केक खा लिया, पर मेरे पास अपने रीजंस थे। खैर हम जब घर वापस जाएंगे ना तुम मुझे जो पनिशमेंट देना चाहती हो दे सकती हो। अरे इट्स ओके अब प्रीति, नो वरीज। और मुझे पता है कि आप मुझे अक्की से ज्यादा प्यार करते हो। या राइट। अरे मैं तो कह रहा हूँ तुम लोग लाइन लगा लो, ये लाइन ना और लंबी होने वाली है। लंबी। मिस्टर कपूर हमें अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए ना, फिर मुझे जाना भी है। हाँ कर दें। हाँ इसमें छुपाना क्या है? हाँ सही कह रही हूँ, मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ एक्चुअली। हाथ पकड़ो ना मेरा प्लीज। ओके पहली बार कर रहा हूँ ना। क्या प्रिया सच में प्रेग्नेंट है? को राम भाई? हाँ नहीं वो तो हो चुका है, अब जो होगा अब बताना है। बोलिए ना। राम spill the bean out now. Yeah. So I have an announcement to make. Yeah and आप लोग शायद सरप्राइज हो शायद ना हो, पर सरप्राइज हो। हाँ शायद। पर ईशान और वरुण जी जो वो दोनों कहाँ हैं? मैं हाँ हूँ प्रिया मासी। वरुण कहाँ रह गया? क्या हुआ? यहाँ पे हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। मुझे किसी ने आपके साथ देख लिया ना तो मेरे लिए सही नहीं होगा। पीछे से एक दरवाजा है, वहां से चलते हैं। मैं कॉल करती हूँ उसे। नहीं वो प्रिया मासी के लिए दवाई लेने गए हैं। हाँ तो ठीक है उनको बाद में बता देंगे, अभी हम लोग सुन लेते हैं। हाँ। अच्छा तो कर दे अनाउंसमेंट। आई डिड इट। आई नो। या ओके कैसे बोलूं मैं? तुम निकली यार, मुझे लगा कि बीमार है इसलिए इतनी उल्टियां कर रही है। कंग्रेचुलेशन। अरे पर मैं बीमार ही थी, बट मिस्टर कपूर ने बच्चे का मतलब। अरे प्रीति कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। द ओनली प्रॉब्लम इज ना कि बच्चे बचपन में बहुत क्यूट लगते, बड़े होके बहुत अनोइंग हो जाते। पर आपको इतनी क्यों जल्दी थी? पर इट्स ओके, आपको एक गलती माफ है, माफ है। अरे पर सो द फिश एंड द केक मेरा बेबी। हाँ ऐसा तो दरखास्त बोलने वाले पुराने सीरियल्स में भी नहीं होता था। वहाँ भी चांद और सूरज से मांगने में वक्त लगता था। यहाँ बहुत फास्ट डिलीवरी है। वैसे भी डोंट माइंड, ये चल क्या रहा है? फैमिली सर्कस। और इसके रिंग मास्टर है मिस्टर कपूर, अभी बताती हूँ इनको। मुझे लगता है कि आज इस रिंग मास्टर को ही हंटर पड़ने वाला है। कांग्रेचुलेशंस ब्रो। भाई मुझे तो अपनी बच्ची को नजर का धागा बंधवाना ही होगा। अरे गली 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 मतलब यही ऐसे। पर जीजू बेबी ना आपके पास जाना चाहिए। अरे दी प्लीज मुझे और टॉर्चर नहीं सहना है। ऑफ कोर्स सैंडी मुझको जाएगा दादी। जीजू आपने नाम सोचा है कोई? अरे नाम का क्या है, मतलब मेरा और प्रिया का मिला के कुछ रख लेंगे जैसे राया मिस्टर कपूर। अरे नहीं यार कितना स्टर्न लगेगा ना, बच्चे को बोलेंगे मिस्टर कपूर। हां जूनियर मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर आप मेरी बात सुनिए। अरे मेरी सुनो। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं।
बस क्रैम्स है, वीकनेस है और कुछ भी नहीं है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।